belong to the Mordeo now. हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मूवी एक्सप्लेन्ड में। तो आज हम बात करेंगे मूवी मॉडियो के बारे में, जो कि रिलीज़ हुई थी इन द ईयर 2017। आईएमडीबी पे इसको रेटिंग मिली है 6.3 आउट ऑफ 10 एंड 96% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मॉडियो की स्टोरी लाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है कि आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान बहुत से डाउट आए, लेकिन आप वरी ना करें, एंड में मैंने उन सब को कवर किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वी आर क्लोज टू 50 सब्सक्राइबर्स, तो देरी किस बात की, जल्दी से दबा दो सब्सक्राइब बटन एंड बेल को ऑल पे। मुझे पता है आप ज़रूर करेंगे, तो पहले से ही थैंक यू। सीन स्टार्ट होती है एल्किश फॉल नाम के एक जगह से, जहाँ जंगलों के बीच एक आदमी एक मरे हुए इंसान की लाश को खा रहा होता है। दरअसल ये बहुत दिनों से जंगल में खो गए थे एंड इसने इस आदमी को मार डाला था, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए इसे कोई रास्ता नहीं दिखा था। जब इस लाश को खा रहा होता है, पीछे से कोई आ जाता है। धीरे से देखने पर हमें पता चलता है कि पीछे एक मॉडियो खड़ा है। वो दूर से ही सब देख रहा होता है, तभी मरे हुए इंसान को मॉडियो पोजेस कर लेता है एंड वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, देर इज़ नो शेम इन वॉट यू हैव डन, बट देर इज़ अ प्राइस ऑफ ईटिंग फ्लैश इन दिस वुड्स। यानी कि तुमने जो किया है उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन इस जंगल में इंसानी गोश्त खाने की एक कीमत है। तुम अब मॉडियो को बिलोंग करते हो। इसी के साथ इस आदमी के सर में दो सींग उग जाते हैं एंड धीरे धीरे उसके चेहरे की सारी स्किन टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती है एंड हम इसे एक मॉडियो में तब्दील होता देख पाते हैं। मॉडियो अपने नुकीले दांतों और पंजों की मदद से लाश को बुरी तरह से फाड़ कर उसे डिवोर कर लेता है। नाउ स्क्रीन चेंजेस एंड इसी जंगल में हम एक मास्क्ड आदमी को एक कपल पर अटैक करते देख पाते हैं, जिसे हम बुचर कहेंगे। बुचर लड़के की तीन उंगलियां काट लेता है एंड लड़की यहाँ पर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। उन तीन उंगलियों को लेकर अपने पास रख लेता है एंड फिर जंगल के अंदर भागता है। तभी लड़की यहाँ पर आकर उस लड़के की हेल्प करती है। जंगल के अंदर जब बुचर भागता है, वो बीच रास्ते में अपने बैग में से एक बुक निकालता है। उस बुक में वो एक मैप खोलता है, जिसमें हम एक रिचुअल साइट नाम की जगह को स्पॉटेड देख पाते हैं। जब वो रिचुअल साइट पर पहुंचता है, उसे वहां पर एक मॉडियो दिख जाता है और जल्दी से उंगलियों को बाहर निकालकर उसे खाने लगता है। तभी वो चिल्लाने लगता है कि मॉडियो चेंज मी, बदल दो मुझे, लेकिन मॉडियो उसके पीछे आकर उसकी एग्जैक्टली तीन उंगलियां को खा डालता है। बुचर दर्द में कहता है, मैंने तुम्हें ऑफरिंग दी है चेंज मी, लेकिन मॉडियो उसे मार डालता है। जब मॉडियो बुचर की बॉडी को डिवोर करते रहता है, खून की चीट एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पर गिरती है। यहाँ पर हम तीन लड़कियों को मिसिंग देख पाते हैं। अब स्टोरी उन तीन लड़कियों की तरफ चली जाती है, जिनका नाम था जेन, नैन्सी एंड लोरा। ये तीनों गर्ल स्काउट्स थे एंड एल्किश फॉल में ये लोग अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने आए थे, लेकिन फिलहाल तो ये लोग भटक चुके थे एंड दो तीन दिन से जंगल में रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। जेन इन दोनों को एक कंपास की मदद से रास्ता लीड कर रही थी। नैन्सी लोरा को चलने में मदद कर रही थी, क्योंकि लोरा के पैर में काफ़ी चोट लगी थी। तभी यहाँ पर इन तीनों को एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है एंड लोग उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों उसी रिचुअल साइट पर आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर पहले बुचर ने मॉडियो को ऑफरिंग दिया था एंड मॉडियो ने उसे मार डाला था। लोरा को नीचे बुचर की बुक मिल जाती है एंड बुक खोलने पर हमें उसमें बहुत सारे स्ट्रेंज सिम्बल्स दिखते हैं। इसी दौरान जेसिका जेन के गले में से कंपास को खींच लेती है एंड कंपास की सुई टूट चुकी थी। ये देखकर जेन बहुत गुस्सा हो जाती है एंड वो बोलती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि सुई टूट चुकी है, इसीलिए हम लोग तब से जंगल के चक्कर काट रहे हैं। एंड इसी के साथ वो कंपास को जंगल के अंदर फेंक देती है। जेन कंपास के पीछे भागती है जंगल में और यहाँ पर पीछे से मॉडियो आकर लोरा के गले पर अपने पंजों से खरोंच देता है, इससे उसकी मौत हो जाती है। जब जेन वापस आती है, तो लोरा की ये हालत देखकर वो जेसिका को इसका जिम्मेदार समझती है एंड उसे मारने लगती है। जेसिका खुद को बचाने के लिए जेन की उंगली को काट लेती है एंड उसे धक्का दे देती है। जेन का सर एक पत्थर से टकरा जाता है एंड वो यहाँ पर मर जाती है। मॉडियो दूर से ये सब चुपचाप देख रहा था। एंड नाउ कम्स द फाइनल पार्ट। स्टार्टिंग में बुचर ने जिस कपल पर अटैक किया था, हम उन्हें देख पाते हैं। ये दोनों जंगल में छुट्टियाँ बिताने आए थे, लेकिन उनके साथ ऐसा हादसा हो गया था। ये दोनों एक केबिन में जाते हैं, जहाँ लड़की उस लड़के के छोटे पर मलम पट्टी करती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिससे बॉयफ्रेंड कहता है कि दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि बाहर शायद मॉडियो है। ये दोनों बाहर जेसिका को देखते हैं एंड शायद जेसिका को कोई मदद की ज़रूरत हो, इसलिए वो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं।
दरवाज़ा खोलने पर जेसिका अंदर आती है, लेकिन उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस एक ही बात बोलती है कि आई बिलोंग टू द मॉडियो नाउ, यानी कि अब मैं मॉडियो को बिलोंग करती हूँ। एंड इसी के साथ वो भी एक मॉडियो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मॉडियो अब लड़के पर अटैक कर देता है, जिसे बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड इक्लोहे का रॉड मॉडियो की आंख में घुसा देता है। मॉडियो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन बेचारा लड़का अब यहाँ पर मर जाता है। लड़की को नीचे बुचर की बुक मिलती है एंड उसमें से मैप के सहारे वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी मॉडियो उसके पीछे पड़ जाता है। लड़की एक छुरा मॉडियो के मुंह में किस्मत से मार देती है एंड अपनी जान बचा लेती है। दूसरी ओर से एक गाड़ी आती दिखती है, जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर उससे कहता है कि तुम अब मॉडियो को बिलोंग करती हो। मॉडियो पीछे से आकर लड़की को जंगल में खींच ले जाता है। तो यहाँ इसी के साथ सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। तो स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊँगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। बुचर की जो बुक थी उसमें हम मैप के साथ साथ रिचुअल्स देख पाते हैं, जिसमें इंसान को किस तरह से मॉडियो में तब्दील होना है ये उसमें बताया गया है। इस सैटनिक रिचुअल के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें पहला है भूख, दूसरी है ऑफरिंग एंड तीसरा है डेस्परेटनेस। पहले सीन में ही छाकर मॉडियो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो लाचार था एंड भूख लगने की वजह से अपने दोस्त को मारकर खा लेता है। ऐसा करके उसने अनजाने में मॉडियो को ऑफरिंग दे दी थी एंड मॉडियो ने उसकी ऑफरिंग स्वीकार की थी। दूसरे सीन में हम बुचर को देख पाते हैं, जो जानबूझ के ऑफरिंग करता है मॉडियो को, ताकि वो भी एक मॉडियो में तब्दील हो जाए, लेकिन मॉडियो उसका ये ऑफरिंग स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं था, उसे बस पावर की भूख थी। इसलिए मॉडियो यहाँ पर बुचर को मार डालता है। थर्ड में हम जेसिका को एक मॉडियो में कन्वर्ट होते देखते हैं, क्योंकि सी वॉज डेस्परेट अपनी जान बचाने के लिए एंड उसने जेन को मार डाला था। इसी दौरान उसने जेन की उंगलियों को काट लिया था, यानी कि उसने इंसानी फ्लैश को कंज्यूम किया था। इसीलिए जेसिका भी अब एक मॉडियो में तब्दील हो जाती है। हम मॉडियो होते कौन है? मॉडियो डिसेंडेंट्स हैं ऑफ द फोक लेजेंड मॉन्स्टर विंडिगो। विंडिगो की ओरिजिन है नॉर्थ अमेरिका एंड ये लोग भी उन्हीं की तरह कैनिबल हैं। कैनिबल यानी कि लोग इंसानी मांस खाते हैं, अपने प्रे को स्टॉक करते हैं। मॉडियो के पावर से नोकीले दांत, उनके हॉर्न्स, शार्प टीथ एंड बेमिसाल ताकत। दे हैव द पावर ऑफ पोजीशन, यानी कि वो आपको कभी भी पोजेस कर सकते हैं। मॉडियो को मारना कैसा है ये तो अब तक किसी को नहीं पता। आप क्या करेंगे अगर आपका सामना एक मॉडियो से हो जाता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये मेहनत ज़रा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हेल्प अस ग्रो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।